नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कार के अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ गाड़ी के दो पहिए के बराबर होते हैं, उसमें नोक झोंक होना तो जायज है। जैसा कि हर एक पति पत्नी के बीच में नोक झोंक होता है, लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब आपके हस्बैंड आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत गुस्सा आता है, आपकी बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बातों को सुनकर भी वो अनसुना कर देते हैं। तो आप इस सिंदूर के टोटके एक बार जरूर करके आजमाएं, आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय को करने मात्र से आपके पति का गुस्सा शांत हो जाएगा, उनका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपकी बातों को समझेंगे, वो कभी भी आपकी बातों को अनसुना नहीं करेंगे, वो आपके इशारों पर नाचेंगे, आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। एक बार इस उपाय को जरूर करिए आप। दोस्तों, अगर आपके हस्बैंड आपकी किसी भी बात की अहमियत नहीं ही देते हैं, किसी भी बात को नहीं मानते हैं, तो ऐसे में आपको इस उपाय को एक बार जरूर आजमाना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को आपको सोमवार के दिन करना है। आपको एक सफेद कपड़ा लेना है। आप कपड़े की जगह रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो कपड़ा या रुमाल आपके हस्बैंड का हो तो और ही अच्छा होगा। दोस्तों, अगर आपके पति का सफेद रुमाल हो, अगर वो आपको मिल जाए, तो उससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर रुमाल नहीं है तो आप किसी भी सफेद कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको सिंदूर लेना है और उस सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाकर तैयार कर लेना है। अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो आप गाय के घी में ये सिंदूर को मिलाकर तैयार कर लें। दोस्तों, उसी सिंदूर से आपको उस सफेद कपड़े या रुमाल पर सबसे पहले आपको ओम लिखना है और उसके नीचे श्री लिखना है और फिर श्री के नीचे आपको लिखना है हीम। दोस्तों, एक बार दोबारा सुन लीजिए आप। आपको सिंदूर से सबसे पहले ओम लिखना है, फिर श्री लिखना है और उसके नीचे हीम लिखना है। इन तीनों मंत्रों को आपको सिंदूर से कपड़े पर लिख लेना है। उसके बाद आपको एक नींबू लेना है। उस नींबू को आप को चार बराबर टुकड़ों में काट लेना है और काटने के बाद तो इस कटे हुए नींबू पर आपको लाल सिंदूर डालना है और सिंदूर को डालते समय आपको ये बोलना है कि मेरे पति का गुस्सा शांत हो जाए, वो हमेशा मेरा कहना माने, वो हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करें और वो मेरी कही हुई बात को भी सुने। तो आप जो भी कामना करेंगे उस नींबू पर सिंदूर डालते टाइम आपको उस बात को 11 बार बोलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पति का गुस्सा शांत हो जाए, वो मेरी कही हुई बात माने, जो भी आपको कहना है वो 11 बार आपको कहना है। जैसे मैंने बोला दोस्तों कि मेरे पति का गुस्सा शांत हो जाए, मेरे पति का गुस्सा शांत हो जाए, इसी तरह से आपको इस बात को 11 बार बोलना है। जो भी आपके अंदर मनोकामनाएं हैं, जो भी आप अपने पति से इच्छा रखते हैं, तो 11 बार से अधिक आपको ये बात नहीं बोलनी है और 11 बार ही आपको नींबू के ऊपर सिंदूर भी डालना है। ये करने के बाद दोस्तों उस नींबू को उसी कपड़े में बांध लें और उसका पोटली बना लें। उस पोटली को दोस्तों आपको सोमवार से लेकर, यानी कि जिस दिन आपने ये उपाय किया और उसके जो भी शनिवार आएगा उस दिन तक आपको अपने पास रखना है। आप चाहे दोस्तों तो आप अपने कपड़े के अलमारी में रख सकते हैं, आप या अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रहे कि आपको ये अपने पास ही रखना है, कहीं अलग नहीं रखना है। दोस्तों, संभव हो तो शनिवार के दिन उस नींबू वाली पोटली को अपने पति के सर के ऊपर से 7 बार घुमा लें। अगर आप ये किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं, अपने पति के ऊपर से इस पोटली को 7 बार नहीं घुमा सकते हैं, तो आप अपने हस्बैंड के फोटो के ऊपर से इस पोटली को 7 बार उभार लें। अगर आपके हस्बैंड अपने ऊपर से इस नींबू की पोटली को 7 बार नहीं घुमाने देते हैं, तो आप अपने हस्बैंड के फोटो के ऊपर से इसे 7 बार घुमा सकते हैं। ये करने के बाद आपको सीधे पीपल के पेड़ के पास जाना है और इस पोटली को पीपल के पेड़
के पास रख कर आना है। तो इस नींबू की पोटली को चुपचाप ले जाकर नी पीपल के पेड़ के पास रख दें और वहां पर आप प्रार्थना करें जो भी आपकी कामना है। और दोस्तों इस बात का खास कर ध्यान रखना है कि आप जब नींबू की पोटली को पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आने लगे तो इस बात का खास कर ध्यान रखिए कि आप पीछे मुड़कर ना देखें। दोस्तों इस बात का और ध्यान रखिए कि आप शनिवार के दिन सुबह 12 बजे से पहले इस उपाय को करना है, इस पोटली को पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आना है। तो इस उपाय को एक ही बार करना है, उसके बाद देखेंगे कि आपके पति आपकी हर बात को मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप पर गुस्सा नहीं होंगे। इस उपाय को एक बार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।